Namaste, my dear students. Today, I'm going to read the history topic, Madhav Rao Peshwa. Madhav Rao was the son of Nana Sahib Peshwa, a Marathi king. He was born in Savanur in 1745. On December 9th, 1753, Madhav Rao married to Ramabai in Pune. Okay, so these were the details of Madhav Rao Peshwa. So Madhav Rao Peshwa ke jo father the, wo ek Marathi king the. Okay, and unka name tha Nana Sahib Peshwa. And wo South India ke Karnataka state ke ek chote se town Savanur mein birth liya tha unhone. And unki jisse shadi hui thi, okay. उनका नेम था, उनकी वाइफ का नेम था रामाबाई, ओके, एंड इट वाज डन इन पुणे. अ मुगल किंग अहमद शाह अब्दाली फॉट एंड डिफीटेड द मराठास एट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ऑन जनवरी 14, 1761. देन नाना साहिब डाइड. ओके, सो माधवराव पेशवा की के जो फादर थे नाना साहिब पेशवा, उनकी डेथ हुई थी फेमस बैटल ऑफ पानीपत में. ओके, पानीपत की तीन बैटल्स लड़ी गई थी, तीन बार पानीपत की बैटल्स लड़ी गई थी मुगल्स एंड राजपूत्स के बीच. एंड जो थर्ड बैटल थी, ओके, उसमें नाना साहिब पेशवा की डेथ हो गई. आफ्टर हिज फादर्स डेथ द 16 ईयर ओल्ड माधव राव वॉज मेड द नेक्स्ट पेशवा ऑफ मराठी एम्पायर. Okay, so this is what happens. After the father dies, the next successor or the next heir of the throne is the son. Okay, so Madhav Rao Peshwa, jab sirf 16 years, 16 saal ke the, tab wo Maratha Empire ke king ban gaye the, wo ek Peshwa ban gaye the. His father's brother, Raghunath Rao, was to act as advisor. Okay, so Nana Sahib पेशवा के जो ब्रदर थे रघुनाथ राव, सो अंकल रघुनाथ राव जो माधव राव के अंकल थे, वो उनके एडवाइज़र बन चुके थे, मतलब वो उन्हें सलाह देते रहते थे माधव राव को. एट दैट टाइम द मराठा एम्पायर वॉज इन कम्प्लीट मेस एंड वर फेसिंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइनेंस. ओके, बिकॉज यू नो मराठा एम्पायर की जितनी भी वेल्थ थी, जितना भी उनके पास रिसोर्सेज थे, वो सब कहाँ यूज़ हुए थे, यू नो, उनके जितने भी सोल्जर्स थे या जितना भी फाइनेंस के द मनी मैटर्स, जितने भी पैसे थे, वो सब कहाँ लगा दिए उन्होंने, पूरी जान डाल दी थी बैटल ऑफ पानीपत में जो लास्ट लड़ी गई थी, यू नो. तो अब मराठा एम्पायर, यू नो, इट वॉज़ फेसिंग सम फिनेंशियल क्रंचेस, मतलब वहाँ पर पैसों की तकलीफ़ होने लगी. ओके, At Shaniwarwada, the prime residence of Peshwa, religious rituals and ceremonies were frequently being conducted. Okay, so Shaniwarwada, I have told you, it's a Maratha fort. Okay, Marathas ka fort, jo special fort hai, Shaniwarwada, wo Pune mein hai. And wahan par kya hota tha? Peshwa ke residence mein, residence is a place where you live. Okay, that is residence. तो ये पेशवा का रेसिडेंस था जहाँ पर रिलीजियस रिचुअल्स, मतलब धार्मिक एक्टिविटीज़ चलती रहती थी और सेरेमनीज, हवन वगैरह सब चलता रहता था शनिवारवाड़ा के अंदर. द सिक्योरिटी एट द ट्रेजरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स वॉज पुअर. ओके, बट प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेजरी, ओके, मतलब वहाँ का जो अकाउंट्स संभालता था, वहाँ की यू नो फिनेंशियल क्रंचेस, वी हैव ऑलरेडी सीन कि वहाँ के फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं थे. ओके, एंड जो रोज़ एक्टिविटीज़ होती थी ना, चेक करते रहना कि हमारे पास कितनी वेल्थ बाकी है. ओके, वो सारी एक्टिविटीज़ बहुत ही यू नो वीक तरीके से फॉलो अप की जा रही थी. ओके, ध्यान नहीं था किसी का भी कि यू नो मराठा एम्पायर में चल क्या रहा है. वेन दीज वीकनेसेस वर ब्रॉट टू माधव राव्स नोटिस and he introduced changes by personally looking into the administration accounts and the treasury. So you know
when all the work was a mess, okay, nobody was looking after the accounts of the empire. Okay, just imagine a grocery shop seller, a grocer, अगर एक ग्रॉसर सिर्फ अपने सामान किसी भी प्राइस पर सेल करेगा एंड जब कस्टमर्स उसे मनी देंगे, पैसे देंगे, पेमेंट्स करेंगे और स्टिल उसका ध्यान नहीं है अकाउंट्स पर कि कितने पैसे उसे लेने हैं, देने हैं, किसे किस कस्टमर को उसने क्रेडिट दिया, मतलब उधार पे दिया था और कैश नहीं लिया, तो व्हाट विल हैपन, ग्रॉसर का जो बिजनेस है इट विल हैव अ डाउनफॉल. ओके, इट विल वो बिजनेस डूब जाएगा. ओके, सो इट इज़ एक्चुअली नॉट कॉल्ड अ बिजनेस, इट इज़ कॉल्ड केयरलेसनेस. ओके, सो माधवराव के मराठा एम्पायर में भी यही हो रहा था. ओके, तो किसी का ध्यान नहीं था फाइनेंस पे, ओके, अकाउंट्स पे. एंड एक्चुअली यू कैन सी कि ये काम किंग्स का नहीं होता है, ये काम होता है स्पेशल मिनिस्टर्स का. एक एम्पायर में किंग के नीचे बहुत सारे मिनिस्टर्स या लॉर्ड्स होते हैं जो हर एक चीज़ संभालते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, वन मिनिस्टर विल लुक आफ्टर द फाइनेंस, द अकाउंट्स, द अनदर मिनिस्टर विल लुक आफ्टर द फूड विच इज़ कमिंग इन द किंगडम, इन द पैलेस. ओके, एंड वन विल टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द एनिमल्स, द हॉर्सेस, द एलिफेंट्स. वन विल ट्रेन द सोल्जर्स ऑफ द किंग. ओके, तो सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं जो ठीक से नहीं की जा रही थी मराठा एम्पायर में. सो माधवराव जो पेशवा बने थे, किंग बने थे, उन्हें खुद आना पड़ा नीचे तक, पूरा सब कुछ चेक करने की लूप होल्स कहाँ है, कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, मिस्टेक्स को कहाँ हमें करेक्ट करना है. सो तो एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स एंड ट्रेजरी, ओके, हर जगह वो खुद देखने लगे कि किस तरह की पॉलिसीज़ बनी गई हैं, क्या हम सालों से ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल वेज फॉलो कर रहे हैं एक एम्पायर रन करने का. ही ऑल्सो रिड्यूस्ड द रिलीजियस प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड एट शनिवारवाड़ा. ओके, तो जब माधवराव खुद उतर आए नीचे सब चेक करने, तो उन्होंने एक और जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी, जो धार्मिक एक्टिविटीज़ होती रहती थी पैलेस में, ओके, सो माधवराव ने वो सारी भी कम कर दी शनिवार वाड़ा पे, वो सारी प्रैक्टिसेस पर भी धीरे धीरे उन बैन लगाना शुरू कर दिया. ड्यूरिंग दिस टाइम एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट अकर्ड. ये सब जब चल रहा था तो एक बहुत ही यादगार किस्सा हुआ था माधवराव के साथ. माधवराव वॉज बिजी मैनेजिंग द ट्रेजरी ऑफ द किंगडम एंड सुपरवाइजिंग द कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेंसेस encountered during the war. So माधवराव किस चीज़ में बिजी थे, वो पूरा अकाउंट्स मैनेज करने में बिजी थे एंड चेक कर रहे थे कि हमारी बैटल्स में हमारे हमारा कितना एक्सपेंस हुआ, मतलब कितना खर्चा किया हमने एंड क्या क्या लॉसेस हुए, कितने लोग हमने कितने हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स का नुकसान हुआ, क्या क्या लॉस हुआ. वन डे ही noticed a large crowd anxiously waiting at the entrance of शनिवारवाड़ा. तो माधवराव ने देखा कि जब वो ये सारा काम कर रहे थे तो किसी विंडो से या उनकी नज़र गई कि एक लोगों का झुंड, क्राउड, वो बाहर खड़ा था शनिवारवाड़ा के और वो बहुत ही गुस्से में खड़ा था, वो सब लोग बड़े गुस्से में थे. अपॉन सम्मनिंग द गार्ड्स, सम्मनिंग मीन्स टू कॉल, जब माधवराव ने गार्ड्स को बुलाया, ही डिस्कवर्ड दैट दे वर द सिटीजन्स ऑफ पुणे हु हैड लॉस्ट देयर फैमिलीज, हाउस, लैंड एंड वेल्थ इन द वॉर. सो अब माधवराव ने देखा कि ये वो लोग खड़े हैं शनिवारवाड़ा के बाहर जो अपनी फैमिलीज बैटल में खो चुके हैं, उनके पास अब घर नहीं है, उतना मनी नहीं है, वेल्थ नहीं है. ओके, दे हैड बीन विजिटिंग हिज रेसिडेंस फॉर द पास्ट फ्यू डेज विथ होप्स ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर अनबेरेबल लॉसेस. सो रेसिडेंस मीन्स अ प्लेस वेयर वी लिव, एक ऐसी जगह जहाँ हम रहते हैं. सो शनिवारवाड़ा के बाहर के वहाँ जहाँ पेशवा रहते थे, वहाँ कुछ दिनों से सारे लोग, सारा क्राउड इसी उम्मीद से आ रहा था, कि सब इसी उम्मीद से आ रहे थे, होप्स लेके आ रहे थे कि वो अपने जो लॉसेस हैं उनका कोई
उनका कोई फिजिकल लॉस, कोई मेंटल लॉस, ओके, उनके जितने भी बैटल में लॉसेस हुए वो सब रिकवर कर सकें, एंड वो सब यू नो अनबेरेबल मींस सहन शक्ति के बाहर. ओके, लूजिंग अ फैमिली इज़ रियली अनबेरेबल लॉस. तो सारे लोग शनिवार वाड़ा के बाहर इसीलिए ग्रुप बना के खड़े थे, क्राउड क्रिएट करके, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके माधवराव पेशवा को. हाउएवर द गार्ड्स हैड नॉट अलाउड देम टू मीट द पेशवा बाय एक्सक्यूजिंग दैट हिज हेल्थ हैड डिटोरिएटेड. ओके, सो गार्ड्स अलाउ ही नहीं कर रहे थे किसी भी इंसान को. ओके, जो लोग आए थे मिलने माधवराव पेशवा से, यू नो, जो गार्ड्स गेट पर खड़े थे पहरा दे रहे थे, वो ये कह के उन्हें यू नो इनकार कर दे रहे थे मिलने से कि माधवराव पेशवा की कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है. डिटोरिएट मतलब यू नो ख़राब होना धीरे धीरे, कोई चीज़ जब बिगड़ती है, ख़राब होती है, तो दैट मीन्स डिटोरिएटेड. व्हेन ही हर्ड दिस ही इमीडिएटली लेफ्ट ऑल हिज टास्क असाइड एंड स्टेप्ड आउट ऑफ शनिवार वाड़ा. सो यू नो जब माधवराव पेशवा ने ये सारी चीज़ें देखी अपनी आँखों से, फोर्ट के अंदर यू नो गार्ड्स इस तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वो अपना सारा टास्क, मतलब अपना सारा वर्क छोड़ के भागे फटाफट बाहर की तरफ. स्टेप्ड आउट मीन्स उन्होंने अपने स्टेप्स कहाँ रखे, शनिवार वाड़ा के बाहर. ओके, एंड वो मिलने चले गए लोगों से. He personally met with the poor families and patiently listened to each one of them. Okay, so उसके बाद माधवराव पेशवा ने धीरे धीरे सारी फैमिलीज से वो मिलने लगे, एंड उनकी जो भी स्टोरीज थी ना, हर एक की एक डिफरेंट स्टोरी थी, वो पेशेंटली मतलब बहुत ही यू नो पेशेंस रख के मन में आराम से बहुत ही सारी स्टोरीज सुनने लगे. He made a note of every family's loss and personally saw to it that these losses were compensated from the empire's revenue. Okay, now Madhavrao Peshwa decided ki in logo ko jitna bhi loss hua hai, okay, jitna bhi you know financially loss hua hai, that means jitne bhi unke paise kharch ho chuke hain, वो खुद कंपेंसेट करेंगे उनके लॉस को एम्पायर के रेवेन्यू से. रेवेन्यू मतलब एम्पायर की जो जमा पूंजी थी, एम्पायर के जो पैसे थे, ओके, जो मराठा एम्पायर के पैसे थे, उसमें से वो उन लोगों की हेल्प करेंगे, कंपेंसेट करेंगे, मतलब भरपाई करके दे देंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट वन वीडियो ऑफ माधवराव पेशवा.